नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, द इंडियन नेवी के द्वारा एक और वैकेंसी का ऐलान कर दिया गया है। यह वैकेंसी है जो ट्रेडमैन के लिए है। इस वैकेंसी का तो आप देख सकते हैं, इस वैकेंसी की मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये द इंडियन नेवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट का नोटिस है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इंडियन नेवी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.indiannavy.gov.in द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन। ये जो भर्ती निकली है ये ट्रेडमैन की भर्ती है और ये ग्रुप सी के लिए है और ये इंडस्ट्रियल वेरियस कमांड के लिए है, मतलब इसमें आपको इंडस्ट्रियल काम मिलेगा। मैं आपको बता दूँ इसमें कितने कितने पोस्ट है किस किस कास्ट के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम के लिए जो है यूआर का 20 पोस्ट है और एससी का 7 पोस्ट है और एसटी का 3 पोस्ट है, ओबीसी का 12 है और ईडब्ल्यूएस का 4 पोस्ट है। टोटल 46 पोस्ट हैं विशाखापट्टनम के लिए, उस हेडक्वार्टर के लिए। अब मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर मुंबई के लिए कितने पोस्ट हैं। यूआर का जो पोस्ट है 227 है और एससी का 58 है और एसटी का 24 है और ओबीसी का 143 है और ईडब्ल्यूएस का 50 है। तो टोटल मिला के 502 मुंबई हेडक्वार्टर के लिए पोस्ट हैं। और तीसरा आप देख सकते हैं, कोची के लिए कुल 6 पोस्ट है। मैं इसमें आप बता दूं, यूआर के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है और टोटल 6 पोस्ट हैं। और मैं आपको बता दूं, इसका जो सैलरी होगा, आप देख सकते हैं इसका जो लेवल 1 पे सैलरी है 18,000 से लेके 57,000 तक का सैलरी है इस पोस्ट के लिए। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपको एज कितना होना चाहिए, आपका एज 18 से 25 के बीच का एज होना चाहिए इस एप्लीकेशन को भरने के लिए। और मैं आपको बता दूं इसकी एग्ज़ाम फीस क्या है। तो आप यहां देख सकते हैं, लिखा गया है कैंडिडेट एंड ओमैन कैंडिडेट हु आर एक्सटेम्बेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस आर रिक्वायर्ड टू पे ए 205 रुपये। मतलब इसमें जो है 205 रुपये फीस लग रहे हैं। एससी और एसटी वालों का 0 रुपये लग रहा है और ओबीसी और जनरल का 205 रुपये ऑनलाइन के लिए लग रहा है। और इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ बन सकता है, तो अब मैं आपको पढ़ के बता दूँ। लिखा गया है, द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी द डिफरेंट स्टेट हैव बीन इंडिकेटेड इन द फीलिंग इंस्ट्रक्शन एंड ऑप्शन फॉर चॉइस इज मेड अवेलेबल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो मतलब आपको ये 2800 राज्य में इसके सेंटर बनेंगे और आप इसमें चुन सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ जाए, तो इस तरीके से आपका सेंटर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या आएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें आएगा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल से भी 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो कुछ ये बातें थी इसकी। और मैं आपको दिखा बता दूं, इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने का वो 15 मार्च 2019 से। अगर इस फॉर्म को आपको भरना है तो आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर से इस फॉर्म को भर सकते हैं या अपने मोबाइल से खुद भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो छोटा सा जानकारी था कि मैं आपको बता दूँ कि नेवी में भर्ती निकली है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।